अच्छा मैं एक 15 दिन पहले मेरे पास 70 रुपए की कॉल आई थी। अच्छा हाँ, वो आपका पूछ रहा था, उसे पता है कि आपसे मेरे मरासिम का पता है, कह रहा था कि कोई मैंने स्टेज ड्रामा ऑर्गेनाइज करने के लिए अख्तर भाई को 30,000 रुपीज पेमेंट दी थी। अच्छा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार, हेलो, हाँ बेटा ऊपर आ जाओ, बेटा ऊपर आ जाओ, हाँ आए थे अख्तर भाई, आए हुए तफाक से, ऊपर आ गए। तो लेकिन तफाक से वो, मैंने उसको कहा भी था कि आज आपसे मुलाकात होगी, मैंने कहा क्लियर हो जाए ना क्या मसला है। मैंने कहा भाई अख्तर शेरानी भाई मिर्जा ना, कह रहा हाँ भाई मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ये साहब है, हाँ ये कह रहे हैं कि 30,000 रुपये मुझे? जी बिल्कुल, आपको ही वो थिएटर के लिए। बेटा आपको को गलतफहमी नहीं, इतनी बड़ी गलतफहमी थोड़ी होगी भाई, मैं तो स्टेज वगैरह ड्रामे वगैरह, अरे वो 300 रुपए नहीं है, वो 30,000 रुपए है भाई। भाई ये मुझे बताओ कि यही है, मतलब तुमने अपने हाथों से दी है, किसी के जरिए भिजवाई है, क्या मसला? फेस टू फेस इनको दिया, आप अख्तर शेरवानी ये मुइन अख्तर तो नहीं है भाई, अख्तर शेरवानी है, मैंने इन्हीं को दी है। आपने खुद दिए इनको? क्या बात कर रहे हैं आप, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, कैसा है 40 साल से काम कर रहा हूँ मैं, मैंने कभी किसी से पैसे लिए? आपने पैसे नहीं लिए, ये तो कसम खा सकते हैं, पैसे नहीं लिए, इन्होंने चेक लिया है मुझे, जब आप बीच में नहीं बोले ना, आपको तो नहीं देने पड़ रहे, दे तो वो है, आप दे दिए मुझे। अरे भाई जब देंगे तुम्हें देने के बाद भी मुझसे नहीं लेंगे क्या वापस पैसे यार? इसको तो आप आराम आराम से दे दिएगा ना, वो यकृष्ट मुझे दे दो ना, मेरा पैसे लिए ही नहीं है तो मैं इनको किस्तों में या वैसे कैसे दूंगा, तुम कैसी बातें करो यार। अरे आपने चेक लिया है मुझसे पैसे, तो मैं भी नहीं कह रहा कि आपने पैसे लिए, आपने चेक लिया।